सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हमारे पास है यामाहा की FZS V4 डिलक्स मॉडल एंड स्पेशल थैंक्स टू तनुष्का और तो केस्टोपुर फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको यामाहा की कोई भी गाड़ी देखनी है, आप केस्टोपुर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप यहां पे आएं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल करें, अपने अपॉइंटमेंट बुक करें, देन गो टू द शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रंट से स्टार्ट करें तो आपको यहां पे न्यूली डिजाइन LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है विद LED DRL, जिसे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो राइट नाउ यार, इसका लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। एंड अपने वर्जन 3 के मुकाबले इस गाड़ी में आपको LED वाले DRL मिलते हैं जो सेबर टूथ वाले वाइप देते हैं। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट इल्यूमिनेशन बहुत शानदार है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छी है एंड इल्यूमिनेशन भी बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। एंड करंटली ये हाई बीम और लो बीम दोनों पे सेट है, जिसकी इंटेंसिटी आप सीरियसली देख सकते हैं। बाकी ये रहा इसका पहला चेंज जो V3 से V4 में चेंज होने में आया है। सेकेंड चेंज आपको इस गाड़ी में इंडिकेटर्स में देखने को मिलते हैं, जो अब LED में आ चुके हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत शानदार है। एंड यार ये लाइक बाइक को बहुत ही अच्छा फ्रंट एंड फील देता है। बाकी आपको बहुत ही अच्छा वाइजर यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको होंडा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की ओर आए तो आपको यहाँ पे बीफी टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है 41mm का, जो कि बहुत चौड़े हैं। एंड यहाँ पे आपको फाइबर का फेंडर देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। नीचे की ओर आए तो हमें यहाँ पर मैसिव 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS। एंड आपको यहाँ कलर्ड व्हील मिलते हैं। बाकी फ्रंट टायर की बात करें तो आपको यहाँ पे 100x80 सेक्शन का फ्रंट 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। एंड ये MRF कंपनी की तरफ से आते हैं। इस ओर बढ़ें तो हमें यहाँ पे एक बेली श्राउड मिलता है फाइबर में, एंड कैटलिटिक कन्वर्टर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंजन की बात करें तो हमें यहाँ 149cc का 4-stroke 2-valve एयर कूल BSS कंप्लाइंट FI इंजन देखने को मिल जाती है, जिसकी मैक्स पावर है 12.4 PS एट 7250 RPM एंड मैक्स टॉर्क है 13.8 Nm एट 5500 RPM। एंड यार गाड़ी 5-speed गियरबॉक्स साथ आती है। सो इनिशियली यार गाड़ी का आपको पावर एंड टॉर्क बहुत कम लग रहा है, बट विथ लेस वेट लाइक ये गाड़ी सेगमेंट में सबसे कम वेट लाई करती है, जिसके कारण इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। माइलेज इस गाड़ी की आपको आराम से 45 km/h की मिल जाएगी, जो कि आप इसे 50 तक भी ले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टांस एंड राइडिंग स्टाइल। बाकी आपको इस गाड़ी की टॉप स्पीड 120 km/h की देखने को मिल जाती है, जो कि सीरियसली बहुत अच्छी है। एंड आपको इस गाड़ी की क्रूजिंग स्पीड 90 km/h की एफर्टलेसली देखने को मिलती है विथ अ कॉन्स्टेंट माइलेज ऑफ 45 km/h। बाकी गियर बॉक्स बहुत ही बटरी स्मूथ है एंड क्लच पुली बहुत ही सॉफ्ट है, जिसके कारण आपको डे टू डे रन में गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये गाड़ी ब्लू कोड इंजन के साथ आती है, जो यामाहा का पेटेंटेड इंजन है। बाकी आपको E20 इंजन देखने को मिल रहा है, जिसे आप BS7 इंजन बोल सकते हैं। बेसिकली E20 इंजन इज लाइक आपको 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल मिक्स करके आप गाड़ी को चला सकते हैं। सो वेन एवर इथेनॉल इंडिया में अवेलेबल होती है, आप इस गाड़ी के साथ बिल्कुल ईजिली राइड कर सकते हैं। सो इधर से आएँ तो आपको 12 लीटर का मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। एंड टैंक की यार डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड लगती है एंड किसी भी एंगल से यार ये एक 150cc की बाइक नहीं लगती, लाइक आपको लगता है कि हाँ आप एक बिग बाइक चला रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पर न्यूली डिज़ाइन फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। एंड मीटर की बात करते हैं, हमें यहाँ हाई बॉडी का लोगो आया। बाकी आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप 2 एंड आपको ओडोमीटर मिल जाता है। बाकी आप यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर सकते हैं। आपको एवरेज माइलेज देखने को मिल जाएगी, आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाएगी। एंड आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है। सो यार ये बहुत ही अच्छा एंड बड़ा इन्फॉर्मेटिव कंसोल है। बाकी पुरानी मॉडल को हम देखें तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा कंसोल मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग यार इस गाड़ी की कंसोल बहुत ही ज़्यादा नीटली है। बाकी आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। बाकी आपको हैंडल बार स्ट्रेट टाइप के मिलते हैं, जो कि बहुत ही ब्रॉड है एंड आपको बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। बाकी स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम एंड पास की स्विच मिलती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एक हॉर्न मिल जाता है और राइट हैंड साइड आपको इंजन कट ऑफ फीचर एंड यहाँ पे सेल्फ का बटन देखने को मिलता है। नाउ सीट की बात करें तो हमें यहाँ पे सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट मिलती है, जो राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड इसकी पैडिंग भी बहुत सॉफ्ट साइड पर दी गई है। एंड यहाँ पे आपको पिलियन ग्रैब हैंडल बार सिंगल पीस वाले मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। एंड नीचे की ओर आए तो हमें यहाँ पे 140x60 सेक्शन का रेडियल रियर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो यार सीरियसली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आती है एंड आपको टायर ग्रिप से कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको यहाँ भी कलर्ड व्हील मिलते हैं।
रेयर डिस्क की बात करें तो हमें यहाँ पर 220mm का रेयर डिस्क देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, आपको यहाँ लग रहा हो ये RLP प्लेट या डुअल चैनल एबीएस की प्लेट है, तो नहीं, ये एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए प्लेट दी गई है। एंड पीछे कैलिपर आपको निसन में मिलती है। बाकी इस गाड़ी में सिंगल पोर्ट एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है एंड एल्युमिनियम में फुटरेस्ट मिल जाता है फॉर पिलियन एंड राइडर। बाकी इस गाड़ी में आप यहाँ पे इस गाड़ी के फेंडर को देख सकते हैं, लाइक इसके काउल को। बाकी एक छोटा सा आपको यहाँ पे टेल टाइडी देखने को मिल जाता है, तो आपको आफ्टर मार्केट लगाने की नीड नहीं है। एंड यहाँ पर आपको इस गाड़ी के LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है यार, जो कि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, आपको बहुत अच्छा लुक देता है फ्रॉम द बैक। बाकी इस एंगल से भी आप गाड़ी के लुक को देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ही न्यूली लगती है। बाकी इस गाड़ी के एग्जॉस्ट लुक को मैं आपको सुना देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक बेस से भी एग्जॉस्ट नोट भी देखने को मिल जाता है, जो कि पहले तो नहीं थी। सो यार, लाइक यामाहा इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दिस वेरी बाइक। सो यार, प्रॉपर अपडेट इस गाड़ी में आ चुके हैं एंड यू विल रियली लव दिस बाइक। सो कलर्स की बात करें तो गाड़ी हमें टोटल 3 कलर्स में देखने को मिल जाती है। दिस इज़ द मेटालिक ग्रे, आपको एक मेटालिक ब्लैक भी मिलती है और एक मेजेस्टिक रेड भी मिलती है, जैसा मेजेस्टिक रेड आपको वहाँ देखने को मिल जाता है। सो गाड़ी की एक शोरूम प्राइसिंग आपको 1.28 लाख में देखने को मिलती है, जो कि वर्जन 3 से सिर्फ और सिर्फ 3000 ज़्यादा है। तो 3000 ज़्यादा देने पर आपको एक बहुत ही अच्छा हेडलाइट मिल रहा है विद बहुत अच्छा हेडलाइट इल्यूमिनेशन, आपको LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाती है, आपको यार एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंसोल मिलती है। सो यार, यामाहा बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ ऑफर कर रहे हैं अपने इस बाइक में, सो यू कैन ग्रैब दिस बाइक। सो शोरूम की डिटेल्स मैंने कॉन्टैक्ट में डाल दी हैं, आप जाएँ और हमें ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।